गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप पुराने वीडियो को देखकर बाकी 3 प्रॉपर्टीज को सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, और डेफिनेशन भी कौन सी, 10th क्लास की। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज हो जाए उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे H2O का फ्रीजिंग पॉइंट, H2O का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। इस टेम्परेचर पर H2O फ्रीज हो जाता है, लेकिन ये साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। साइंटिफिक डेफिनेशन को ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, इस स्केल पर हमने ले लिया वेपर प्रेशर और इस स्केल पर हमने ले लिया टेम्परेचर। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जनरली सॉलिड का वेपर प्रेशर 0 होता है, तो 0 हो जाए तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने क्या किया, H2O को फ्रीज करना स्टार्ट किया। H2O को फ्रीज करना स्टार्ट किया तो इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और सडनली इसका प्रेशर 0 हो जाएगा, और ये टेम्परेचर बच्चों कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बिकम या वाटर चेंज इनटू सॉलिड और आइस, तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री। और ये ग्राफ हमने किसके लिए प्लॉट किया है, वाटर के लिए। अब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है कि जब भी किसी सॉल्वेंट में या वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और ये लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अब जैसे ही हमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और उसकी लाइन नीचे आएगी। अब ये धीमे धीमे कम होगा, तो आप देख सकते हैं पहले ये यहीं पर जम गया था और अब ये इस टेम्परेचर पर जमेगा, और इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे डेल्टा टीएफ, उसे हम कहेंगे डेल्टा टीएफ। तो हमने निकाल लिया है डेल्टा टीएफ, तो आप देख सकते हैं डेल्टा टीएफ बराबर निकालने के लिए, क्योंकि अब सॉल्वेंट का ज्यादा है तो हम सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को माइनस कर देंगे, और यहां पर जो डेल्टा टीएफ है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टीआई है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और टीएस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम डेल्टा टीएफ, अगर हमें ये दोनों नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी। अगर हम मोलैलिटी के डायरेक्टली, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो हम आई का यूज करेंगे। आई यहां पर नंबर ऑफ कैलकुलेटेड पार्टिकल है या एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल है, जिसको हम वांट ऑफ फैक्टर भी कहते हैं। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया केएफ, और ये हो जाएगा आई इंटू एम। एम यहां पर मोलैलिटी है, आई यहां पर वांट ऑफ फैक्टर है, और केएफ को यहां पर हम कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका एक नाम और है और उस नाम में इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हम यहां पर मोलैलिटी की वैल्यू को पुट कर देंगे, मोलैलिटी की वैल्यू को पुट करेंगे तो डब्ल्यू बी हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, 1000 आएगा ही, नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे डब्ल्यू ए।
डब्ल्यू ए बच्चों डेफिनेट आपको याद होना चाहिए, यह है मास ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू भी आप सब जानते हैं, जहां भी बी लगा हुआ हो वो सॉल्यूट से रिलेटेड होता है, तो डब्ल्यू बी हो जाएगा मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नहीं है तो ये थ्योरी ही नहीं लगेगी। और एम बी हमारा हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया है और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। अब हम देखते हैं यहीं पर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों में रिलेशन। तो हम जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर होता है आई के बी एम, और डेल्टा टीएफ बराबर होता है आई के एफ एम। जब हम एक ही सब्सटेंस का हमें बॉइलिंग पॉइंट अगर पता हो या डेल्टा टीवी पता हो तो डेल्टा टीएफ हम उसको निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, आजकल इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन काफी आते हैं क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम हैं, तो हम क्या करेंगे एम से एम को कैंसिल कर देंगे और पार्टिकल से पार्टिकल कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी डिवाइडेड बाय डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के बी बाय के एफ। इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब हमें एक का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हो और बॉइलिंग पॉइंट पूछे, या बॉइलिंग पॉइंट दिया हो फ्रीजिंग पॉइंट पूछे, और ये आजकल काफी हॉट चल रहा है, मतलब एग्जामों में आ रहा है, हायर ऑर्डर थिंकिंग में हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इसके पहले हम डिस्कस करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन और फिर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन। तो अगर हम किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और वो पहले से कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, 1m NaCl है, 1m Na2SO4 है, 1m ग्लूकोज है और हमारे पास 1m एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब क्वेश्चन आएगा इन चारों के चारों में से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या वॉन्ट ऑफ फैक्टर में बताया था, जिसके पार्टिकल ज्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल होती है, जिसके पार्टिकल ज्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा, या फिर आप बहुत बढ़िया गोल्डन लाइन है जिसको याद कर ले, सॉल्यूशन के 50% क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। जिसके पार्टिकल ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, उसकी रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा, या फिर जिसके पार्टिकल ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर कम। तो हम देखें सबसे ज्यादा पार्टिकल एल्यूमिनियम सल्फेट के बनेंगे 5, तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट एल्यूमिनियम सल्फेट का होगा 4th का। इसके बाद ये 3 पार्टिकल देगा इसलिए 2nd का फ्रीजिंग पॉइंट उसके बाद आ जाएगा, ये 2 पार्टिकल देगा NaCl इसलिए 1st यहां आ जाएगा, और सबसे कम पार्टिकल ग्लूकोज देगा इसलिए 3rd नंबर पे। अब हम इसी क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। अब हमारे कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, ये 0.5m लिख दिया हमने, ये 1m ही लिख दिया और ये लिख लिया हमने 1m और ये लिख लिया हमने 0.1m। जब कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो तो हम इफेक्टिव मोलैरिटी यूज करते हैं, और इफेक्टिव मोलैरिटी कैसे निकालते हैं,
इफेक्टिव मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव मोलैरिटी निकालने के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल से मोलैरिटी को इंटू कर देंगे, तो आप देखेंगे एक एक करके निकाल सकते हो। NaCl के निकालेंगे तो इसके पार्टिकल दो होंगे और इसकी मोलैरिटी 0.5 है, तो ओवरऑल 1 है। नेक्स्ट Na2SO4, Na2SO4 के पार्टिकल 3 होंगे, इसकी मोलैरिटी 1 है तो 3 है। फिर हम चलते हैं ग्लूकोज की तरफ, ग्लूकोज का 1m और 1 पार्टिकल तो 1m। और फिर हम चलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट की तरफ, एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलैरिटी पार्टिकल 5 होंगे और मोलैरिटी हो जाएगी 0.1, तो कितनी हो जाएगी 0.5। तो अब सबसे ज्यादा इफेक्टिव मोलैरिटी इनमें किसकी है? Na2SO4। तो सेकेंड वाले का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, सेकेंड वाले का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब इन दोनों का बराबर होगा, ठीक है ना, इन दोनों का बराबर होगा। किन किन का? NaCl और ग्लूकोज का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट एल्यूमिनियम सल्फेट का, क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट की इफेक्टिव मोलैरिटी सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, और Na2SO4 की इफेक्टिव मोलैरिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ये एडवांस जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन के, नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हम कैल्शियम क्लोराइड और NaCl को हिल स्टेशन पर रोड पर बिखेर देते हैं, फैला देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं, जिससे हिल स्टेशन पर रोड के ऊपर आइस नहीं जमती है और जल्दी से रोड साफ हो जाती है। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाई कैल्शियम क्लोराइड और NaCl स्प्रिंकल ओवर द रोड ऑन हिल स्टेशन? तो आंसर होगा टू प्रिवेंट द आइस फॉर्मेशन ऑन रोड। सेकेंड, वी यूज इथाइलिन ग्लाइकॉल, हम इथाइलिन ग्लाइकॉल को कार के रेडिएटर में यूज करते हैं हिल स्टेशन पर। हमने देखा होगा कार के रेडिएटर में हम ग्रीन सब्सटेंस मिलाते हैं जो कूलेंट का काम करता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का काम होता है कार के रेडिएटर में वाटर को फ्रीज होने से रोकना। अगर हम ये ऐड नहीं करेंगे तो हिल स्टेशन पर जब टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा तो कार के रेडिएटर में आइस फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बच्चा कहेगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब आइस बनती है तो एक्सपेंड करती है, तो कार का रेडिएटर एक्सपेंड करेगा और बस्ट हो जाएगा, जिससे रेडिएटर फट जाएगा। अब हम देखेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल से न्यूमेरिकल कि हम कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो हमने कितने परसेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज किया है। तो हम करते हैं क्वेश्चन, इफ वी यूज 30% इथाइलिन ग्लाइकॉल, इफ वी यूज 30% इथाइलिन ग्लाइकॉल इन कार रेडिएटर एट व्हाट टेम्परेचर H2O फ्रीज, किस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज हो जाएगा? Kf की वैल्यू हमें गिवन है H2O के लिए 1.52। तो हम देखते हैं, हमने इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, डेल्टा Tf इज इक्वल टू I इंटू Kf इंटू Wb इंटू 1000 डिवाइडेड बाय Mb और नीचे आ जाएगा Wa सॉल्व। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH और CH2 और जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का I 1 लेते हैं क्योंकि ये टूटता नहीं, तो इसका I हो जाएगा 1। इसके Kf की वैल्यू 1.52 सॉरी इसके वैल्यू होती है 1.86।
WB 30% का मतलब हो गया 30 ग्राम, 1000 की जगह 1000 ही आएगा। हमने इसको मोलर मास रख दिया, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास 62 होता है। अब कुछ बच्चे इस WA में डूब जाते हैं। WA सॉल्वेंट का वेट है, तो सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए हम सॉल्यूशन 100% में से 30% को माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका डेल्टा TF जब हम निकालेंगे, इसका डेल्टा TF आ जाएगा 12.6, मतलब वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में इतना डिप्रेशन हो गया। अब एग्जैक्ट ये कितने पर फ्रीज होगा तो देखते हैं। हमारा फॉर्मूला है TI - TS, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सब जानते हैं 0 डिग्री होता, तो TS कितना आ गया, इसका TS आ गया -12.6। तो 12.6 आ गया, तो वाटर इस फ्रीजिंग इसके नीचे जाते ही फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अगर हम उस हिल स्टेशन का टेम्परेचर -15 कर दें, -15 हो जाए, तो कार के रेडिएटर में 100 जो हमने 30% इथाइलिन ग्लाइकोल यूज किया है, इसमें 70 ग्राम वाटर है, तो 12.16 पे फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, माइनस पे 15 पे कितना हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डेल्टा TF 15 हो जाएगा क्योंकि -15 है, आई बनी रहेगा, KF की वैल्यू 1.86 रहेगी, ये 30 ही रहेगा, ये 1000 ही रहेगा, ठीक है, ये 62 ही रहेगा। अब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालें कि अगर -15 हो जाए तो वाटर कितना बचेगा। तो अगर हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 ग्राम आएगा, मतलब -15 पर सॉल्वेंट की वैल्यू 60 ग्राम हो जाएगी। लेकिन हमारे पास 30% में कितना वाटर था, तो H2O फ्रीज कितना हो जाएगा, 70 - 60 10 ग्राम, मतलब 70 ग्राम वाटर में से सिर्फ 10 ग्राम वाटर ही आइस में कन्वर्ट होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, हेनरी लॉ या फिर गैस सॉल्युबिलिटी। गैस सॉल्युबिलिटी, एजियोट्रॉप्स एटसेट्रा, ठीक है ना। यहां पर मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं कि 30% इथाइलिन, इसी क्वेश्चन को, कि 30% इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। 30% इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन का या 30% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट कितना। तो जब हम फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हम यूज करेंगे डेल्टा TF डिवाइडेड बाय डेल्टा TV इज इक्वल टू KF बाय KV। अब हमें पता है इसका डेल्टा TF आया था 12.6 और KF की वैल्यू कितनी थी, 1.8। तो अगर हमें डेल्टा TV निकालना है तो हम यहां पर KV की वैल्यू रख देंगे जो वाटर के लिए 0.52 है। तो डेल्टा TV हमारा आ जाए, डेल्टा TV निकालने के लिए हम 0.52 इंटू 1.26 को मल्टीप्लाई करके 1.86 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा TV।